ये है डे टू पपीज। दूसरे दिन की ग्रोथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सेकेंड डे है मेरे लैब्राडोर की पपीज को। और मेरी लैब्राडोर एक्चुअली, इसको थोड़ा फीवर हो गया, बहुत बहुत हैवी फीवर हो गया था इसको, 103 डिग्रीज़ का। तो बहुत ज़्यादा कांप रही थी, शिवर कर रही थी बहुत, और बहुत ज़्यादा हाफ भी रही थी। तो हम इसको डॉक्टर के पास ले गए, तो अभी हम इसको लेके जा ही रहे और इसको दिखाना, उसका मतलब इसका जो पेट का ना एक्सरे भी कराना था, क्योंकि घर वालों को डाउट है कि कहीं पेट में बच्चे ना हो। तो अभी हम इसको फाइनली यहाँ पर बाजपुर के हॉस्पिटल में लेकर आ गए थे, सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सरकारी हॉस्पिटल ही है डॉक्टर का, यहाँ कोई प्राइवेट मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है डॉग्स के लिए। तो मैं इसको यहाँ लेकर आया था, तो डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि इसको फ़ीवर है। तो इसका फ़ीवर जब मेजर करा तो 103 डिग्रीज़ था। तो फिर इसको इंजेक्शन लगाया, इसको दो इंजेक्शन लगाए थे, यानी कौन कौन से थे डॉक्टर्स ने लगाए। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इसको, बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी बेचारी। तो हमें तो डर लगा कि कहीं इसकी वजह से कहीं बच्चे भी ना बीमार हो जाए, तो इसको एक बार जल्दी से ट्रीटमेंट कराएं। और दूसरा, जो हमने इसका एक्सरे कराया था, उसमें कुछ नहीं पता चला। मतलब उन्होंने बोला कि सिर्फ 3 लाइन्स दिख रही है और कुछ नहीं है इसमें, मतलब बेबीज़ नहीं है। मैं प्रे कर रहा हूँ कि बेबीज़ ना ही हो, क्योंकि अगर बेबीज़ हुए तो डॉक्टर बोले थे कि या तो फिर दवाई देनी पड़ेगी, उसकी वजह से डिलीवरी होगी, या फिर अगर उससे नहीं हुई तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके पेट में कोई बच्चे हो, तो इसीलिए आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि इसके पेट में बच्चे ना हो, एक्सरे में ना ही निकले। तो वैसे तो कुछ पता नहीं चला ज़्यादा, उन्होंने बोला कि है नहीं, दिख ही नहीं रहे इसमें तो फिलहाल। तो बस उसके बाद फिर हम इसको घर लेके आ गए, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह लगाए थे, क्योंकि बच्चे जो थे वो घर पे थे, बच्चों को दूध पिलाना था, बच्चे चिल्ला रहे थे, तो इसलिए फिर हम इसको घर लेकर आ गए। और फिर मैंने बच्चों को घर पे दूध ही पिलाया। सुबह के निकले हुए 11:30 बजे के आसपास, या 11 बजे के आसपास निकले हुए थे, और हम घर पहुँचे अराउंड 3:40। तो तब से बेचारे बच्चे भूखे थे, तो उस समय जब मैं आया था तो बच्चों को दूध पिला कर ही आया था। तो अभी फाइनली घर पहुँच गए हैं। अच्छा चलो, इसके बच्चे भूखे हैं। कहाँ बच्चे? एक्सरे में कुछ पता नहीं चला, बुखार है इसको, 103 डिग्री। कहाँ है बच्चे, कहाँ हैं? आजा, सो रहे हैं वो। दूध पिलाए तो मैं इनको, चला जा। लीजा को बुखार, बेचारी को तभी इतना कांप रही थी वो। चलो बच्चे कहाँ जा रही है? मम्मी बता रही है भूख से चिल्ला रहे थे बेचारे, अभी सो गए हैं चिल्ला के। आजा बैठ जा लीजा, नीचे बैठ फिर लीजा, सिट लीजा, लीजा बेबी बैठ जाओ, गुड गर्ल। ऐसे कहाँ बैठ रही, फिर रुक तो जा, इधर आ लीजा, यहाँ पर सिट लीजा। अच्छा ये ले, ले कम, सिट बैठो, सिट गुड गर्ल, डाउन कम लीजा, कम डाउन। पता नहीं, चलो डाउन लीजा, नीचे डाउन गुड। लीजा पी दो से दूध, दूसरा वाला भी टन करके सो रखा है। चलो वक्त आ गया है, ये है डे टू पपीज। दूसरे दिन की ग्रोथ। गला ये चाट रही है बच्चों को, लीव लीजा स्लीप, रुक जा लीजा स्लीप।
मस्त करके पियो आप दूध। अभी लीजा की तबीयत थोड़ी वैसी ही है, ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट आया नहीं है। इंजेक्शन से लगा दिए थे, डॉक्टर को दिखा भी दिया था, तो अभी भी हल्का फुल्का शिवर कर रही थी ये, तो मैंने थोड़ा और ज़्यादा पराल डाला इसके रूम पर। हीटर ऑन था इसके रूम पर, तो जस्ट चेक करने की अगर और ज़्यादा ऐसी सेम कंडीशन रहती सुबह तक, तो हम सुबह सुबह इसको फिर रुद्रपुर लेकर जाएंगे। रुद्रपुर एक दूसरा हॉस्पिटल है, वो थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ हम अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, वहाँ इसको लेकर जाएंगे। और पपीज़ का तब तक फिर क्या करें, पपीज़ को घर पे रखना पड़ेगा, वहाँ तो लेकर जा नहीं सकते हैं ऐसी जगह पे, वरना लीजा ना खुद करने देगी बच्चों को देख देख कर। कल बच्चे नहीं थे ना, तो इजीली सब कुछ हो रहा था। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो में बने रहना न्यू अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, और लीजा के लिए प्रे करना प्लीज़ एवरीबडी कि वो जल्दी ठीक हो जाए। सो टेक केयर, बाय बाय।